हम ऐसे लोगों को अक्सर पसंद करते हैं जो हमको देख के दरवाजा बंद करते हैं, जो हमको देख के दरवाजा बंद करते हैं। धूप ढलते ही बदन से दूर साया हो गया। धूप ढलते ही बदन से दूर साया हो गया। इश्क के चक्कर में सारा वक्त जाया हो गया। धूप ढलते ही बदन से दूर साया हो गया। इश्क के चक्कर में सारा वक्त जाया हो गया। कौन हूं, क्या नाम है, मुझसे मेरा रिश्ता है क्या, आज अपनी ही नजर में मैं पराया हो गया। आज अपनी नजर में मैं पराया हो गया। जनाब शकील आजमी है, शकील आजमी जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए, जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए, हौसला है तो बड़ा हाथ मिलाने के लिए, जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए, हौसला है तो बड़ा हाथ मिलाने के लिए, एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे, कौन आया है यहां उम्र बिताने के लिए, कौन आया है इसके बाद के दो मिसरे मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो शकील साहब ने बहुत अच्छा कहा, लेकिन इसके बाद के दो मिसरे सईद भाई सुनना, रहीम भाई, मेरे सभी हाजरीन मुझे जो सुन रहे हैं, मैं नाम नहीं जानता, माजरत चाहूंगा। एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे, बेटा जरा सुन लेना, जो गजल के सुनने वाले हैं मैं उम्मीद करूंगा कि वो मिसरा बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, जाया नहीं करेंगे। एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे, कौन आया है यहां उम्र बिताने के लिए, आय है कौन आया है यहां उम्र बिताने के लिए। मैंने अनीस, मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए, बारिशें हो माशाल्लाह। ये शौरा की जमीन है, नागपुर, यवतमल, वर्धा, बडनेरा, अमरावती शेरो सुखन का गढ़ है, शायर पैदा होते हैं यहाँ। और इस वक्त भी मुझे बहुत सारे शौरा सुन रहे हैं। एक नौजवान शाहिद, शाहिद अहमद शाहिद, माशाल्लाह नौजवान बच्चा है ये, मुझे सुन रहा है इस वक्त, और कुछ अशार मैं शाहिद के भी पढ़ूंगा आज रात में। मगर जनाब ये चार मिसरों के साथ गजल देने जा रहा हूं, समाप्त करें। यहां गले से गले मिलते हैं सभी, लेकिन माशाल्लाह अभी मुझे मेरे कमल भाई ने बताया कि मुझे मेरे सीनियर जनाब हाजी जानी शहदा साहब भी पीछे स्टेज के पीछे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनकी भी दुआएं चाहूंगा, इजाजत चाहूंगा उनसे। यहां गले से गले मिलते हैं सभी, लेकिन यहां दिलों में मगर दूरियां भी होती हैं। यहां गले से गले मिलते हैं सभी, लेकिन यहां दिलों में मगर दूरियां भी होती हैं। किसी को बेवफा कहने से पहले सोच तो लो, किसी के साथ में मजबूरियां भी होती हैं।
जनाब जहां तक कंपोज का सवाल है, मेरे आइडियल जिन्हें मैंने अपने बचपन से सुना है और मैं उनका फैन रहा हूं, जनाब मरहूम मोहम्मद हनीफ आगरेवाले साहब का ये रंग पेश कर रहा हूं, टूटी फूटी कंपोज अपनी आपके सामने रख रहा हूं, मेरे उस्तादों का रंग है, तवज्जो फरमाएं। गजल का मतला रख रहा हूं, ऐसा रिश्ता था था, ऐसा रिश्ता था, ऐसा रिश्ता था कि जैसे कोई रिश्ता ही नहीं, ऐसा रिश्ता था कि जैसे कोई रिश्ता ही नहीं, ऐसा रिश्ता था कि जैसे कोई रिश्ता ही नहीं, ऐसा रिश्ता था कि जैसे कोई रिश्ता ही नहीं, ऐसा रिश्ता था कि जैसे कोई रिश्ता ही नहीं, ऐसा रिश्ता था, ऐसा रिश्ता था कि जैसे कोई रिश्ता ही नहीं। क्यों? वो मेरे साथ रहा और मुझे समझा ही नहीं, वो मेरे साथ रहा और मुझे समझा ही नहीं, वो मेरे साथ रहा और मुझे मेरा खून मेरी काटने गर्दन निकला, खुद मेरा खून मेरी काटने गर्दन निकला, मेरे घर में ही मेरी जान का दुश्मन निकला, सांप बन बन के लिपटते हैं ये अहबाब मुझे, मेरा अखलाक मेरे वास्ते चंदन निकला, ऐसा रिश्ता था कि जैसे कोई रिश्ता ही नहीं, ऐसा रिश्ता था कि जैसे कोई रिश्ता ही नहीं, वो मेरे साथ रहा और मुझे समझा ही नहीं, ये शेर मोहब्बत करने वालों के नाम, जो सच्ची मोहब्बत करते हैं उनसे, इंस्टाग्राम वाली मोहब्बत नहीं, जो सच्ची मोहब्बत करते हैं उनके नाम कर रहा हूं यह शेर। जनाब, उसका चेहरा मेरी, मैं नाम जानना चाहूंगा, शारिक भाई शेर सुनना, ऐसा रिश्ता था कि जैसे कोई रिश्ता ही नहीं, वो मेरे साथ रहा और मुझे समझा ही नहीं, ऐसा रिश्ता था वो मेरे साथ रहा, अच्छा, ऐसा रिश्ता था कि जैसे कोई रिश्ता नहीं वो मेरे साथ रहा और मुझे समझा ही नहीं, शेर दे रहा हूं साहब, उसका चेहरा
चेहरा मेरी आंखों में बसा जिस दिन से, चेहरा मेरी आंखों में बसा जिस दिन से, चेहरा मेरी आंखों में बसा जिस दिन से, उसका चेहरा मेरी आंखों में बसा जिस दिन से, मैंने उस रोज से खुद को कभी देखा ही नहीं, जिस दिन से मैंने उस रोज से खुद को कभी देखा ही नहीं। अब ये शेर गजल के सुनने वालों के नाम जो मैार पसंद करते हैं, ये शेर देने जा रहा हूं साहब, अपना मिजाज रख रहा हूं। इरफान साहब, रूठ जाने पे मेरे आए है यार, नानी से शेर सुन लेना। रूठ जाने पे मेरे मुझको मनाने वाला, रूठ जाने पे मेरे मनाने वाला रूठ कर ऐसा गया फिर कभी लौटा ही नहीं, रूठ कर ऐसा गया फिर कभी लौटा ही नहीं, रूठ कर ऐसा गया फिर कभी लौटा खाते हैं तो पागल हो जाते हैं, क्यों कुछ बेवड़े भी हो जाते हैं, कुछ पागल भी हो जाते हैं। शारिक भाई, समझाना चाहूंगा मैं, अब उनको मेरा मशवरा है, एडवाइस है,
सुनना। देख कर राहे मोहब्बत में अगर चलते मियां, देख कर राहे मोहब्बत में अगर चलते मियां, देख कर राहे मोहब्बत में अगर चलते मियां, देख कर राहे मोहब्बत में अगर चलते मियां। वफा अखलाक चाहत हर कोई क्या जानता होगा, वही समझेगा इस शय को जो उल्फत आशना होगा। लिबासे पारसाई से शराफत आ नहीं सकती, शराफत खून में होगी तो इंसा पारसा होगा। वफा अखलाक चाहत हर कोई क्या जानता होगा, वही समझेगा इस शय को जो उल्फत आशना होगा। लिबासे पारसाई से शराफत आ नहीं सकती, शराफत खून में होगी तो इंसान पारसा होगा, शराफत खून में होगी तो इंसान पारसा होगा। कमल किशोर वर्मा कहते हैं जिंदगी का कम से कम सामान होना चाहिए, जिंदगी का कम से कम सामान होना चाहिए, मौत का लंबा सफर आसान होना चाहिए। रोज एक दो लोग मर जाते हैं दिल के शहर में, दिल के अंदर कोई कब्रिस्तान होना चाहिए। बहुत प्यारे शेर का इजाफा किया मेरी गजल में शारिक अहमद शारिक ने, बहुत हसीन शेर। शारिक अहमद का शेर पढ़ने जा रहा हूं। एक नजर देख के मिलता हो जिसे हज का सवाब, जिसे हज का सवाब, एक बस माँ है वो, एक बस माँ है, कोई दूसरा चेहरा ही नहीं। एक बस माँ है कोई दूसरा चेहरा ही नहीं, एक बस माँ है कोई दूसरा चेहरा ही नहीं, एक बस माँ है कोई दूसरा चेहरा ही बस माँ है, एक बस माँ है, कोई दूसरा चेहरा ही नहीं। कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। एक बस माँ है कोई दूसरा चेहरा ही नहीं, एक बस माँ है कोई दूसरा चेहरा ही नहीं। आज ना मैं अपने शेर पे आ रहा हूं। बहुत सारे नौजवान गलत राह पकड़ लेते हैं चोट खाते ही, पागल हो जाते हैं, शराबी हो जाते हैं, जुआरी हो जाते हैं, क्या क्या बन जाते हैं। मैं कहता हूं
देख कर राह मोहब्बत में अगर चलते मियां, 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 बेवफाई का बेवफाई का ये कांटा कभी चुभता ही नहीं, बेवफाई का ये कांटा कभी चुभता ही नहीं, बेवफाई का ये कांटा कभी चुभता ही नहीं, बेवफाई का ये कांटा कभी चुभता ही आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। जो तेरे ऐप बताता है उसे मत खोना, अब कहां मिलते हैं आईना दिखाने वाले। जो तेरे ऐप बताता है उसे मत खोना, अब कहां मिलते हैं आईना दिखाने वाले। रहीम भाई ये दो मिसरे पसंद है मुझे बहुत, पढ़ने जा रहा हूं कि अब तो मर जाता है रिश्ता भी पूरे वक्तों में, अब तो मर जाता है, अब तो मर जाता है रिश्ता भी बुरे वक्तों में, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। बड़ा अच्छा, आप लोग तो माशाल्लाह सुनते नहीं बल्कि खाते हैं, इसलिए फनकार का दिल नहीं करता माइक छोड़ने का। ये चार मिसरे फरत अब्बास के सुना रहा हूं। फरत अब्बास कहते हैं, इसी से जान गया मैं कि वक्त ढलने लगे, इसी से जान गया मैं कि वक्त ढलने लगे, मैं थक के छांव में बैठा तो पेड़ चलने लगे, इसी से जान गया मैं कि वक्त ढलने लगे, मैं थक के छांव में बैठा तो पेड़ चलने लगे, मैं दे रहा था सहारे तो एक हुजूम में था, मैं जब गिरा तो सभी रास्ता बदलने लगे। बस एक शेर और एक मक्ता। जो झुका करता है दिन रात खुदा के आगे, जो झुका करता है दिन रात खुदा के आगे, जो झुका करता है दिन रात खुदा के आगे, जो झुका करता है दिन रात खुदा के आगे, जो झुका करता है, जो झुका करता है रात खुदा के आगे, सामने दुनिया के आगे कभी झुकता ही नहीं, 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 सामने दुनिया के आगे कभी झुकता
की खातिर मैंने नाजा ये शहर छोड़ा था, इसकी खातिर मैंने नाजा ये शहर छोड़ा था, जिसकी खातिर मैंने नाजा ये शहर छोड़ा था। वक्त रुख सत उसे मुड़ के कभी देखा ही नहीं, मेरे साथ रहा।